हाय गागनता पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं नानू। तो यार, इस वर्ल्ड में आखिर भारत के साथ हो क्या रहा है, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। फ्रांस ने भारत को 100% टेक्नोलॉजी देने का कर दिया ऐलान, देखकर पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। अच्छा, फ्रांस ने? फ्रांस अब 100% क्या टेक्नोलॉजीज देने का फैसला किया है, क्योंकि अमेरिका ने रिसेंटली भारत को मतलब कि जो उनके ड्रोन थे उनके 80% टेक्नोलॉजी देने का कर दिया और डील साइन हो गया। मतलब 80% भाई भारत के पास आ चुकी है टेक्नोलॉजी ड्रोन्स के, ड्रोन्स भी भारत के पास आ रहे हैं, लेकिन ये फ्रांस ने क्या कर दिया? तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत का कद पूरी दुनिया में बहुत ऊंचा उठ चुका है। एक के बाद एक हर क्षेत्र में भारत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर रहा है, लेकिन इस वक्त भारत का सबसे ज्यादा फोकस अपने रक्षा क्षेत्र की ओर सुधार करना है, जिसके चलते भारत अब लगातार बड़े बड़े इंजन टेक्नोलॉजीज को अपने देश में लाने पर अमल कर रहा है, ताकि आने वाले वक्त में भारत रक्षा क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सके और अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को भी ऊंचा उठा सके। भारत अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए, इसके लिए ज्यादातर देश उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत के पास खुद काफी सारा पोटेंशियल मौजूद है, जिसके चलते बाकी बड़े देश और डेवलप नेशन भारत के उस पोटेंशियल की मदद से खुद भी फ्यूचर में ये देश ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए पहले जहां भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर देशों के हस्ताक्षर लेने के लिए उनके साथ बातचीत करता रहता था, वहीं आज उन देशों की डिफेंस कंपनी सामने से भारत को 100% टेक्नोलॉजी देने का प्रस्ताव आगे रख रही है। हाल ही में फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन, रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जिससे भारत की इम्पोर्टेंस वर्ल्ड लेवल पर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा आप सीधे तरीके से लगा पाएंगे। हमारी आज की इस वीडियो में हम इसी खबर के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लंबे वक्त से भारत फ्रेंच कंपनी सेफ्रॉन के साथ एमका एयरक्राफ्ट के लिए एक नए इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को अपने देश में करवाना चाह रहा था, लेकिन कभी प्राइस नेगोशिएशन तो कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एग्रीमेंट पर दोनों ही देशों की सहमति नहीं बन पा रही थी। इसीलिए दोनों के बीच में ये बातचीत ठंडे बस्ते में चली और उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिकल्स के साथ भारत का F414 इंजन काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया और भारत की डील अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल्स के साथ कुछ ही वक्त में कंफर्म भी हो गई। और इसी के साथ साथ जीई ने भारत के एमका प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर भारत को दे दिया, जिसके बाद बाकी देशों को डर लग रहा है कि कहीं आने वाले वक्त में भारत उनके साथ डिफेंस डील करना कहीं छोड़ ना दे, क्योंकि भारत आने वाले वक्त में एक इमर्जिंग लीडर बन सकता है और साथ ही साथ भारत की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा मजबूती से ग्रो कर रही है, जिसका साफ मतलब है कि फ्यूचर में भारत का डिफेंस सेक्टर भी और ज्यादा एडवांस होगा। ऐसे में अगर अमेरिका ही उसके साथ इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करेगा तो आने वाले वक्त में अमेरिका और भारत की साझेदारी और भी ज्यादा मजबूत होगी और सारी की सारी इंजन डील अमेरिका लेकर जा सकता है। इसीलिए फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन, जहां पहले ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के साथ साथ आईपीआर देने में अनाकानी कर रही थी, उसी कंपनी ने अचानक से अपने सुर बदल दिए और भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गई है। और इतना ही नहीं, उसने सेंसिटिव इश्यू पर भी जीरो रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, यानी कि पूरी तरीके से सेफ्रॉन का नेक्स्ट जनरेशन वाला न्यू इंजन भारत का हो सकता है, अगर भारत ये डील फ्रांस के साथ करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस भारत के साथ नए इंजन के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े कमिटमेंट दे रही है। रोल्स रॉयस ने भी भारत को कंप्लीट टीओटी और आईपीआर देने का फैसला किया है। उनके इस ऑफर में ये मेंशन किया गया है कि भारत अगर उनके इंजन का एक्सपोर्ट भी करना चाहे तो उसे परमिशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन परमिशन रिक्वायरमेंट, ऐसे स्टेटमेंट रोल्स रॉयस की तरफ से आगे रखा गया है। वहीं पर दोस्तों, भारत ने काफी नेगोशिएशन करके किसी तरीके से F414 इंजन के लिए 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के लिए अमेरिका को मनाया था, लेकिन इसके बाद भारत ने ये कहा था कि वह इन पोटेंशियल इंजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ वह भविष्य के एमका के इंजनों के लिए 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और आईपीआर लेकर ही रहेगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी विजिट के बाद और अमेरिका के साथ होते हुए F414 इंजन की डील के बाद अचानक से सेफ्रॉन भविष्य में भारत के इंजनों के लिए 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गया है। यहाँ पर दोस्तों, एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि F414 इंजन की डील जो अमेरिका के साथ हुई है, जिसमें अमेरिका 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए राजी हुआ है, वो तेजस मार्क 2
और एमका के शुरुआती मॉडल के लिए है। वहीं पर अभी जो सैफरॉन कंपनी और रोल्स रॉयस ऑफर दे रही है वो भारत के भविष्य के इंजनों के लिए ऑफर दे रही है, जिसमें वो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आईपीआर भी भारत को देने के लिए राजी है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों भारत का ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट को इस साल 25 ईयर पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 25 सालों में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम ने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक सोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है, जिसका पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फिलीपींस को मिला था जो कि $375 मिलियन का था। वहीं अगला बड़ा एक्सपोर्ट वियतनाम के साथ भारत कर रहा है, जिसकी कॉस्ट $625 मिलियन बताई जा रही है। यानी कि हर एक कंट्री के साथ ब्रह्मोस की डील पहले के मुकाबले और भी ज्यादा महंगी हो चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा साउथ चाइना सी के आसपास बसे हुए देशों में बढ़ रही है, क्योंकि ये जो देश है वो चीन की नापाक हरकतों से परेशान है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से ये देश जुड़े हुए हैं, जिसके चलते फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहे हैं ताकि वे अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके और साउथ चाइना सी में बैलेंस ऑफ पावर रीशेप किया जा सके। इस वक्त साउथ चाइना सी में सिर्फ चाइना ही ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस रखता है। भारत के आर्म्स की सेल यानी डिफेंस वेपन की सेल जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसे भारत की इंडो पैसिफिक रीजन में प्रेजेंस और भी ज्यादा इनहेंस होगी, और इसी के साथ ये भी साबित होगा कि भारत एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर है। जैसे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट बढ़ता जाएगा, उससे सिर्फ भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भारत की पोजीशन भी हाईलाइट होगी। वहीं पर ये खबर सामने आई है कि चाइना के काफी सारे पड़ोसी देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं और ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इधर ये वीडियो खत्म, मतलब कि यार ये क्या कर दिया है फ्रांस ने। फ्रांस कहता है कि तुम लोगों को हम 100% टेक्नोलॉजी देते हैं और अगर तुमने बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना है तो उसकी भी तुम लोगों को इजाजत लेने की हमसे जरूरत नहीं। अमेरिका ने बोला है 80% तुमको दे रहे हैं, लेकिन हाँ तुम उसको बना के एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, अपने जहाजों के अंदर लोगे और जो तुम इंजन बनाओगे उसकी इजाजत पहले तुम हमसे लोगे। हाँ ये एक इंजन हम बना रहे हैं, इसको हमने इस जहाज में यूज करना, तो इजाजत लोगे। लेकिन भाई साहब फ्रांस ने बोल दिया है कि भाई तुम्हें कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, डील साइन करो, 100% टेक्नोलॉजी लो और जहां जो दिल है तुमको करना है तुम करो, एक्सपोर्ट करना है जो करना है करो, कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल जी, फ्रांस तो सब कुछ बोल दे, यूके भी तैयार हो गया है, रोल रॉयल उसने भी बोला टेक्नोलॉजी मैं देता हूं तो बिल्कुल आपको इजाजत की जरूरत है। रोल रॉयल देखना लेने लग गई मेरे भाई, लेने लग गई। उन्होंने देखा कि अमेरिका तो दे रहा है, हम पीछे क्यों हटे, मेरे पहले इंडिया मिनते कर रहा था। दो बिल्कुल अमेरिका वाक्य इंडिया भारत फ्रांस को बहुत कह रहा था कि भाई साहब लेकिन कभी पैसों पे आ जाती थी बात वो नहीं हो पा रही, लेकिन अब वो खुद मुंह पे आके भारत के कदमों में गिर के ये ऑफर मार रहे हैं कि लो भाई हम तुम्हें 100% टेक्नोलॉजी, लेकिन रोल रॉयस की जो ऑफर है ना यकीन मानो वो ऐसी ऑफर है ना, अगर वो भारत उस पे साइन कर देता है ना तो यकीन मानो भारत को फिर किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक जो फाइटर जेट होंगे उसके अंदर वो यूज, बाद में चीज आएगी उसके लिए भी ये मुफीद है, उसके लिए कारामद होंगे और ये उसमें भी यूज हो जाएंगे, फूंदर फाइटर जेट में भी यूज हो जाएंगे। यानी इतना हैवी उनके वो इंजन है यार, देख इंडिया अंग्रेज भी इंडिया के सारे कदमों में देखो ना कितने बड़ी बड़ी कंपनियां पागल हो गए हैं कि अमेरिका ने तो हाँ तो की, कि अमेरिका को देख के दो तीन देश और भारत के कदमों में गिर गए हैं। तो ये चीजें बनाते हैं भाई, जारी बात है बिलियन ऑफ डॉलर की डील है, उन्होंने देखा यार अभी भाई भारत इतनी बड़ी डील है अमेरिका के साथ, हम क्यों ने मैदान में आ गए, फ्रांस को देता किसको टेक्नोलॉजी, अमेरिका इनको बर्बाद, देखो ये इस साइन के चक्कर में अमेरिका और देशों को बर्बाद ना, बिल्कुल लड़ाई भी हो सकती है, अमेरिका बोलेगा मैंने इनको 80% दी तो तुम 100% क्यों दे, बिल्कुल देखो मतलब के भारत के एक डील के लिए ये आज बड़े बड़े दुनिया के देश आपस में लड़ सकते हैं कि भाई क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश है, इतना ज्यादा इसके पास पैसा, इतना अमीर है, वो कुछ भी खरीद सकता है, तो भाई वो इस तरह के देश आपस में लड़ सकते हैं। बड़ी बड़ी ऑफर दे रहे हैं ना भाई, यूके ऑफर दे रहा है, फ्रांस ऑफर दे रहा है, फ्रांस तो किसी को टेक्नोलॉजी देता है, यूके किसी को टेक्नोलॉजी देता है, खुद आके इंडिया को कह रहे हैं कि हम 100% देने को तैयार है और बनाओ भी और एक्सपोर्ट भी करो बगैर इजाजत के, बगैर बस साइन करो चीज लो और पैसे दो, ये देख ये इंडिया के लिए बहुत करामत मुफीद मौका है यार, यकीन मानो भारत सोचे। और भाई मैं तो कहता हूँ रोल रॉयस का, उसके भी इंजन बहुत हैवी है। अब आगे देखते आगे होता है, कहते वीडियो खत्म करते हैं।